वाह, सबके लिए नए टैबलेट्स, वो भी लेटेस्ट मॉडल। और ये नए आईकार्ड भी है, बहुत ही। इसमें गेम्स होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं। मतलब अब हम जितना चाहे मेगा रोबोट खेल सकते हैं। इसमें तुम्हारा मेगा रोबोट नहीं बल्कि पढ़ाई वाले गेम्स हैं। इससे अच्छा तो हम बाहर जाकर अपने गेम्स खेल लेंगे। अरे ये क्या, हमें लॉक कर दिया। ये तो बड़ा ढीठ लॉक है, खुलता ही नहीं। सर, पूरे स्कूल को डिजिटल बना देने का आपका डिसीजन से हम सहमत नहीं हूँ। दुबे जी, आजकल तो सब कुछ ही डिजिटल हो गया है। आप भी मेरी तरह चौक डस्टर को छोड़कर अपनी सोच को डिजिटल बना लीजिए। अरे मैं तो आजकल सपने भी डिजिटल देखता हूँ। ये देखो, कोई भी अपने कार्ड से दरवाजा खोलेगा तो इसकी कंप्यूटर में एंट्री हो जाएगी। सब पता चल जाएगा कि कौन कब कहाँ आता है और जाता है। बच्चों, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारा अपना स्कूल स्टेट का पहला डिजिटल स्कूल बन गया है। स्कूल के कंप्यूटर रूम में हमने एक डेटा सेंटर बनाया है जहां स्कूल का सारा डेटा है। आप सबका होमवर्क भी सीधा कंप्यूटर रूम से आपकी टैबलेट्स पर भेज दिया जाएगा। लेकिन होमवर्क तो फिर भी हमें करना पड़ेगा ना। हाँ यार, ये टेक्नोलॉजी हमारे किसी काम की नहीं। तो अब दुबे सर आपकी पहली डिजिटल क्लास लेंगे। अरे ये तो क्लासरूम में थिएटर बन गया। क्या ढूंढ रहे हो दुबे जी? सर, इसका माउस पता नहीं किस बिल में जाकर छुप गया है, मिल नहीं रहा। अरे दुबे जी, इसे उंगलियों से टच करके चलाते हैं, टच स्क्रीन है ये। उंगलियों से टच करके? लेकिन ले 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 ले। कितना क्यूट बच्चा है। सबसे पहले एक टांग पर खड़े हो जाइए और सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए। कृपया किसी भी अनजान वस्तु को हाथ न लगाएं, क्योंकि वो बॉम्ब हो सकती है। स्टडी को छोड़कर बाकी सारे आलतू फालतू फाइसी खोल रहे हैं। दुबे जी, इसे आराम से चलाते हैं, कुश्ती लड़कर नहीं। ये लीजिए। अब मुझे दो वॉलंटियर्स चाहिए जो हमारी पुरानी फाइल्स को रिसाइकलिंग के लिए भेजने में मदद करेंगे। शाबाश, तुम दोनों हमेशा इस स्कूल की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हो। सर, आप हमें एक बार इस क्लास से बचने का मौका तो दें। क्या? सर, इसका मतलब है पढ़ाई खत्म होने के बाद स्कूल से पास आउट होने तो दें, फिर देखना हम इस स्कूल की कितनी मदद करते हैं। शाबाश, तो लग जाओ काम पे। पार्टनर, इतनी सारी फाइल्स को रिसाइकल करने के लिए तो बार बार साइकिल चलानी पड़ेगी। अरे लेकिन राठी सर ने फाइल्स भेजने के लिए कहा है, कब तक भेजनी है ये थोड़ी बताया है। हाँ तो चल अभी खेलने चलते। ये नहीं हो सकता, उस राठी का स्कूल मेरे स्कूल से अच्छा नहीं हो सकता। राठी, तुझे और तेरे स्कूल को मैं बर्बाद कर दूंगा।
मुझे लग रहा है कि हमारे स्कूल के कंप्यूटर रूम पे मेगा रोबोट का गेम जरूर होगा। हाँ चल हम वहाँ जाके देखते हैं। लेकिन वहाँ कैसे जाएंगे, पकड़े गए तो? अरे डर मत, मेरे पास एक लल्लन टॉप आइडिया है। इसमें तो पासवर्ड डालना होगा। मेरा पासवर्ड डाल के देख, 1 2 3 4 5। अरे इसमें तेरा नहीं, राठी सर का पासवर्ड होगा। तो फिर राठी सर का पासवर्ड डाल कर देखते हैं। नहीं, राठी सर ने इसका पासवर्ड स्कूल के नाम से रखा होगा। हाँ डाल के देख। अरे दोस्त ये भी नहीं। राठी सर हमेशा क्या कहते रहते हैं? समझा, इसका पासवर्ड होगा प्रिंसिपल है हम। वो देख इतना बड़ा कंप्यूटर, इसमें ही होगा मेगा रोबोट। ढूंढ ढूंढ, यही होगा। मिल गया। आ गया। मुझे तेरा ही इंतजार था, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। डरपोक, छुप कर वार करते, हिम्मत है तो सामने आ। इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपा हूँ? अब तेरा बचना नामुमकिन है। टा टा टा। नहीं नहीं नहीं। ये नहीं नहीं। कौन चिल्ला रहा था? अरे मेगा रोबोट जिसको मारता है वो डर के मारे नहीं नहीं ही चिल्लाता है। चल हम इस गेम को अपने टैबलेट्स में भेज देते हैं। हाँ लेकिन गेम को टैबलेट में भेजी कैसे? ये देख इस केबल से। आया? नहीं। अरे ये क्या, ये तो कोई डेटा सेंटर को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब आया? नहीं आया। अब आया? अब देख आया होगा। हाँ, आ गया। आ गया तो चल अब दोनों मिलके निपटते हैं इससे। अरे ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, पर ये मुझे देख कैसे रहे हैं? यहाँ छुप कर देखता हूँ। अरे ये दो बच्चे हैं, इनसे तो बाद में निपटूंगा, पहले राठी के इस डिजिटल स्कूल को शट डाउन करके आता हूँ। बद्री, बुध, तुम दोनों इस वक्त स्कूल में क्या कर रहे हो? सर हम वो सर हम होमवर्क कर रहे थे। होमवर्क? तुम दोनों होम में कभी होमवर्क नहीं करते और आज स्कूल में होमवर्क कर रहे हो? प्रिंसिपल राणा? हाँ मैंने तुम्हारे कंप्यूटर सेंटर को हैक करके स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। अब तुम्हारे पास कोई बैकअप फाइल्स भी नहीं है। अब मेरा, सिर्फ मेरा स्कूल ही इस शहर का नंबर वन स्कूल होगा। सर आपने तो पुरानी फाइल्स भी रिसाइकल के लिए भेज दी थी। हाँ अब तो सब रिकॉर्ड्स खत्म हो गए। सर पुरानी फाइल्स कहीं नहीं गई, वो तो अभी भी स्टोर रूम में ही रखी है। क्या? हाँ सर, हमने सोचा कि वो पुरानी फाइल्स इतने सालों से उस कमरे में रखी है, क्या पता आपको उनकी जरूरत पड़ ही जाए। वैसे भी नई चीज आने से पुरानी चीज को फेंक थोड़ी देते हैं। शाबाश, देखा प्रिंसिपल राणा, मेरा स्कूल नंबर वन इन जैसे स्टूडेंट की वजह से ही है, ना कि किसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से। तुम चलो निकलो यहाँ से। शाबाश बेटा, तुम लोगों ने बचा लिया स्कूल का डेटा। अरे वाह सर, आप तो कवि बन गए। कविताएं भी कर सकते हैं। आखिर
प्रिंसिपल हैं हम।